Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा कि भाई नगीना के लोग बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो चाहे कुर्सी पर बैठने वाला हो हर आदमी तय करे कि हमें इस देश में शासक जमात बनना है हमें इस देश में राजकाज कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया था कि जहां सब लोग नेता घुटने टेक देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा इस बात को याद रखना मैंने उसी दिन कलम उठा के लिखा कि इस जमानत जब्त को सम्मान में बदलना है इस जमानत जब्त को ताकत बनाना है क्योंकि मैंने ये भी बताया कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया था कि जहां सब लोग नेता घुटने टेक देंगे तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा इस बात को याद रखना जब कांटा निकलता है चाहे छोटा हो या बड़ा घाव जरूर करता है घाव तो है ताकत दी सबसे पहले हिम्मत दी और यहां से हमारी पुरानी नेता को एमपी बना के लोकसभा में भेजा मगर जिन लोगों ने लोकसभा में भेजा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया आज भी ओमपाल जी जिक्र कर रहे थे कि भाई नगीना के लोग बिजनौर के लोग ये कहते हैं कि हम तो सबको ताकत देते हैं लेकिन कोई हमारे बारे में नहीं सोचता मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जिस तरह से मां की सेवा की जाती है इस तरह से मैं नगीना लोकसभा और बिजनौर जिले के लोगों की सेवा करने का काम करूंगा मेरी बात को आप याद रखना क्या कोई मेरे भाइयों मेरी माताओं बहनों बताओ क्या कोई व्यक्ति अपनी मां को परेशान छोड़ता है क्या दुख के समय में परेशानी के समय में मां से मुंह मोड़ता है तो जब कोई बेटा नहीं मोड़ता तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है मेरी बात को आप याद रखना मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह मां के दूध का कर्ज चुकाया जाता है मेरी बात को आप लोग याद रखना कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है इस देश में हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं सत्ता उसमें सेकेंडरी है पहली है व्यवस्था परिवर्तन कैसा इस देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी है ऊंच नीच है जाति के आधार पर शोषण होता है माननीय काशीराम साहब लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि जाति के आधार पर होने वाला शोषण कैसे बंद होगा उसका तरीका एक था कि कोई भी परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं होता जब तक हम राजनीति में कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे हाथों में शक्ति नहीं होगी जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा इसलिए उन्होंने कहा अपने लोगों से कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो चाहे कुर्सी पर बैठने वाला हो हर आदमी तय करे कि हमें इस देश में शासक जमात बनना है हमें इस देश में राजकाज लाना है हमें इस देश में गरीबी बेबसी गुलामी की बेड़ियां काटनी है और वो उसमें सफल भी हुए लेकिन जहां तक वो छोड़ के गए मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप उससे उस कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हो नहीं बढ़ाना चाहते हो बताओ जोर से बताओ बढ़ाना चाहते हो नहीं बढ़ाना चाहते हो क्या जो काशीराम साहब के नेतृत्व में आंदोलन के जरिए जो मिल गया क्या वो काफी है या अभी भी परेशानियां आपकी जिंदगियों में है बताओ है या नहीं है बताओ अगर परेशानियां है तो उनका हल करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा कितने लोग चाहते हैं हल कर हो बताओ तो फिर मेरी इस बात पे गौर करो एक कहानी सुना रहा हूं समझ आएगी एक बार माननीय काशीराम साहब अपने साथियों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे जब वो इस रास्ते से गुजरे उन्होंने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे एक पालतू जानवर के बच्चे उस गड्ढे में पड़े हुए वो जोर जोर से रो रहे थे उनमें एक पिल्ला था एक छोटा बच्चा जानवर का पशु का जो बहुत तेजी तेजी से रो रहा था
और गड्ढे से निकलने का प्रयास कर रहा था। माननीय काशीराम साहब कुछ समय रुके और फिर उस छोटे से पशु के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उस गड्ढे में चार पांच बच्चे और थे, काशीराम साहब ने उनको नहीं निकाला और आगे चले गए। जब शाम के समय ठहरे तो उनके साथ चलने वाले लोगों ने कहा कि साहब हमने आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा पूछो कि आज हमने देखा कि आप रास्ते से आ रहे थे, बराबर में गड्ढे में कुछ बच्चे पड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, आपने उनमें से एक बच्चे को निकाला, बाकी को वहीं छोड़ दिया, आपने ऐसा क्यों किया और बच्चों को क्यों नहीं निकाला, गौर करना। साहब ने कहा कि उनमें से एक बच्चा उसमें घुटन महसूस कर रहा था, वो जिंदगी से निकलना चाहता था, उसने प्रयास किया, मैंने उसकी आवाज सुनी, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वो जो बाकी लोग हैं वो उसी गड्ढे को अपना घर समझ रहे हैं, उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, उसी में खुश है, इसलिए जब वो उसमें खुश है, अगर मैं उनको निकालने का प्रयास करूंगा तो वो फिर गड्ढे में कूद जाएंगे, जब वो गड्ढे में कूद जाएंगे तो फिर मैं उनको क्यों निकालूं। जब तक आप, मैं संदेश के तौर पर कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिस दिन भी इनमें से कोई निकलने का प्रयास करेगा कोई और काशीराम साहब आके इनको इस गड्ढे से निकाल देगा। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, हक अधिकार चाहते हैं, तो फिर गड्ढे से निकलने के लिए, गरीबी बेबसी खत्म करने के लिए, फिर आप इस चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़ लो। आने वाले 10 साल में ये गरीबी बेबसी भुखमरी जुल्म जाति की बेड़िया जड़ से काटने का काम हम लोग कर देंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना।